ये देखिए, बिना इडली स्टैंड के हमारी इडली बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। और ये देखिए, इडली हमारी अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार बनी है। और ये देखिए, दूसरे तरीके से बना हुआ इडली भी मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा इडली दूसरे तरीके से बनाया हुआ भी बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बना है और ये बहुत ही अच्छा बना है। और ये देखिए, हमारा दूसरा इडली भी बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट स्पंजी बना है। इस तरीके से आप भी बिना इडली स्टैंड के एक ही टाइम पे दो तरीके से इडली इजीली घर पे बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। और हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इडली बनाने के लिए यहाँ मैंने एक गिलास छोटा सा लिया है। आप भी घर में कटोरी, गिलास, कप कुछ भी ले सकते हैं और उसी से सारे चीज़ को मेज़र करेंगे। और यहाँ मैंने कच्चा चावल या जिसे अरवा चावल भी कहा जाता है वो ली हूँ। आपको ये किसी भी किराने की दुकान में इजीली मिल जाएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने 3 कप अरवा चावल ले ली हूँ। और हम दूसरे बर्तन लेंगे और इसमें 1 कप उड़द की दाल लेंगे। यहाँ मैंने गोटा वाला उड़द का दाल लिया है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। उड़द की दाल में पानी डालकर हम इसे हाथ से मिलाते हुए अच्छे से धो लेंगे। हमें उड़द के दाल को 1 से 2 बार पानी डालकर धोना है। इससे ज़्यादा हम नहीं धोएंगे, नहीं तो उड़द दाल का नेचुरल स्टार्च धुल जाएगा और इडली हमारी सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें। और ये देखिए, उड़द के दाल को यहाँ मैंने अच्छे से धो लिया है और इस पे लगा धूल मिट्टी सारे धुल गए हैं। और अब हम इसमें पानी डालकर इसे 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। और अब हम सेम तरीके से ही चावल को भी पानी डालकर हाथ से मिलाते हुए अच्छी तरह धो लेंगे, जिससे चावल पे भी लगा धूल मिट्टी गर्दा सब धुल जाएगा। आप चावल को 2 से 3 बार धो सकते हैं। और ये देखिए, चावल को यहाँ मैंने धो लिया है और अब हम इसमें भी पानी डाल करके 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। दाल और चावल को भिगोए 4 घंटे हो गए हैं। और ये देखिए, दाल और चावल हमारे अच्छी तरह फूल के डबल हो गए हैं। और चलिए अब हम दाल और चावल को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के लिए यहाँ मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है और ग्राइंडिंग जार में दाल डाल करके हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसे ढक्कन लगा करके इसे महीन या बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने दाल को महीन पीस लिया है और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। और सेम ग्राइंडिंग जार में ही चावल डाल करके चावल को भी बारीक या महीन पीस लेंगे, जिससे इडली हमारे बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। आप भी दाल और चावल को महीन या बारीक ही पीसें। और ये देखिए, यहाँ मैंने चावल को अच्छी तरह पीस लिया है और इसे भी हम सेम बर्तन में ही निकाल लेंगे। और सेम तरीके से ही हम बाकी बचे चावल को भी महीन पीस लेंगे और इसे बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हम साफ हाथ से दाल और चावल को अच्छी तरह मिला लेंगे। आप भी इसे मिलाने के लिए चम्मच या स्पैचुला का यूज़ ना करें और इसे हाथ से अच्छी तरह मिलाएं, जिससे दाल और चावल बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा और हमारा इडली बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ज़रूर मिलाएं। और ये देखिए, दाल और चावल को यहाँ मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। और अब हम इसे ढक कर बैटर को हम 8 से 9 घंटे या ओवरनाइट के लिए ढक कर फर्मेंट होने देंगे। और ये देखिए, रात भर में फूल कर बैटर हमारा अच्छी तरह फर्मेंट हो गया है। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार या 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालकर हम इसे चम्मच से अच्छी तरह मिला लेंगे। नमक डालकर हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे बैटर हमारा बहुत ही अच्छा और स्मूथ बन के तैयार होगा। नमक डालकर हम बैटर को आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, जिससे नमक बैटर में अच्छे से मिल जाएगा, जिससे इडली हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बैटर हमारा सेट हो रहा है तो चलिए तब तक हम सांभर बना लेते हैं। सांभर बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 बैंगन, 1 गाजर, 2 आलू को छील लिया है और 1 प्याज और 1 टमाटर लेंगे। और यहाँ मैंने एक दूसरे कटोरी में
तुअर की दाल या जिसे आप अरहर की दाल कहते हैं हम वो लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सभी सब्जियों को एक साइज में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप भी इसे एक साइज में ही इस तरह काट ले। और अब हम एक सांभर बनाने के लिए कुकर लेंगे और कुकर में 2 गिलास पानी डालेंगे। और अब हम कुकर में कटी हुई सब्जियां डालेंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 सब्जियां लिया है। आप इसमें और भी अपने पसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और अब हम पानी में सारी सब्जियां डाल देंगे। कटा हुआ टमाटर भी हम डाल देंगे। और चलिए, सांभर बनाने के लिए कुकर को गैस पे चढ़ाएंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। और अब हम इसमें धुली हुई तुअर की दाल डालेंगे। दाल डालकर हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें स्वाद अनुसार या 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से दाल और सब्जी हमारी बहुत अच्छे से गलेगी और पकेगी भी। और अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगा करके हम कुकर को हाई फ्लेम पर ही इसमें 4 से 5 सीटी आने देंगे और इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए, कुकर ठंडा हो गया है और अब हम इसे चेक कर लेंगे। और ये देखिए, कुकर में हमारी दाल और सब्जियां बहुत अच्छी तरह से पक गई है। और चलिए, अब हम सांभर में तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है। गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, हम इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर तेल को भी हम कढ़ाई में अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तेल में 1 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। सरसों के दाने डालकर हम इसे अच्छी तरह क्रैक होने देंगे। और इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग डालने से सांभर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हींग हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें 1/4 चम्मच मेथी के दाने डालेंगे। मेथी को भी तेल में चटकने देंगे। और अब हम इसमें 2 से 3 तोड़कर सूखी लाल मिर्च डालेंगे और इसमें 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से सांभर में बहुत ही अच्छा कलर आता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सभी इंग्रेडिएंट को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें बॉईल किए हुए दाल और सब्जियां ऐड करेंगे। आप इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, नहीं तो सब्जियां ऊपर की ओर छिटकती हैं। दाल और सब्जियां डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे इस तरह चलाते हुए मिला लेंगे। और ये देखिए, सांभर हमारा अभी गाढ़ा है। सांभर में खटास के लिए हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे। यहाँ मैंने इमली को अच्छे से धो लिया था और इसे 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था और इसका पल्प निकाल लिया। और अब हम इसे सांभर में डालेंगे। अब हम सांभर में 2 चम्मच सांभर पाउडर डालेंगे। यहाँ मैंने बाज़ार का रेडीमेड सांभर पाउडर यूज़ किया है और इसे अच्छे से सांभर में मिला लेंगे, जिससे सांभर पाउडर का फ्लेवर पूरे सांभर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अब हम सांभर में 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने से सांभर हमारा बिल्कुल होटल स्टाइल बनके तैयार होगा। और ये देखिए, सांभर हमारा बिल्कुल अच्छा और परफेक्ट बना है। पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और इसमें 1/4 कप ग्रेट किए हुए नारियल डालेंगे। नारियल डालने से सांभर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और होटल वाले भी सांभर में नारियल ज़रूर डालते हैं। तो आपको अगर होटल स्टाइल सांभर चाहिए तो आप इसमें नारियल डालें। आपको नारियल अगर नहीं पसंद है तो आप नारियल को स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। सांभर में आप जब भी पानी ऐड करें तो आप नमक की भी मात्रा बढ़ा दें, जिससे सांभर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और ये देखिए दोस्तों, सांभर तो हमारा बन गया, लेकिन मैंने इसमें कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैं इसमें अभी कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह भूल जाए या फिर आपके पास कड़ी पत्ता ना हो तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि हमने बाज़ार का रेडीमेड सांभर मसाला लिया था, उसमें कड़ी पत्ता का फ्लेवर ऑलरेडी रहता है। आप किसी भी ब्रांड का सांभर मसाला लेंगे तो उसमें कड़ी पत्ता का फ्लेवर रहता है।
और ये देखिए सांभर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया। और चलिए अब हम इडली बना लेते हैं। बिना इडली स्टैंड का इडली बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पतीली लिया है और इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ ही रखेंगे। बिना स्टैंड का इडली बनाने के लिए आप भी इस तरह से भगोना लें जिसका कोर बाहर की तरफ निकला हो। और अब हम एक इस तरह का कटोरी या टिफ़िन लेंगे और इसे इस तरह से उल्टा करके पानी में सेट कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ ही रखेंगे। और अब हम इसमें इस तरह का प्लेट लेंगे और प्लेट को हम उल्टा करके टिफ़िन के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर देंगे। सिर्फ एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप भी अपने घर में बिना स्टैंड के इडली इजीली बना लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने प्लेट को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। और अब हम इस तरह के छोटे छोटे कटोरी लेंगे, ये आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा। आपके पास जिस साइज का भी कटोरी हो आप उसे ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने तीनों कटोरी को अच्छे से प्लेट के ऊपर सेट कर लिया है और इस टाइम पे भी गैस का फ्लेम यहाँ मैंने ऑन नहीं किया है। और अब हम इसमें बैटर डालेंगे। बैटर डालने के लिए हम बैटर को एक बार फिर से अच्छी तरह मिला लेंगे जिससे बैटर हमारा अच्छे से मिल जाएगा और स्मूथ भी हो जाएगा, तभी इडली हमारी बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनेगी। और बैटर को हम चम्मच में ले करके इस तरह कटोरी में डालेंगे। कटोरी में आप बैटर को पूरा ना भरें, नहीं तो इडली हमारी बहुत बड़ी बनेगी और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से आप कटोरी में आधा ही बैटर को डालें जिससे इडली हमारी बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट स्पंजी बनेगी। और ये देखिए यहाँ मैंने एक रुमाल लिया है और अब हम रुमाल को अच्छे से पानी से धो देंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने रुमाल को अच्छे से धो लिया है और अब हम इसे पतीली के ऊपर कवर करते हुए ढक देंगे। बिना इडली स्टैंड के इडली बनाना बहुत ईजी है। बचपन में मेरी मम्मी इसी तरीके से इडली घर पे बनाया करती थी। और अब हम एक रस्सी लेंगे और रस्सी से रुमाल को अच्छी तरह भगोने में बांध देंगे, इसीलिए यहाँ मैंने कोर निकला हुआ भगोना लिया था। रस्सी से बांधकर हम इस तरीके से रुमाल का एक्स्ट्रा कॉर्नर को भी अच्छे से लपेटते हुए बांध लेंगे जिससे गैस ऑन करने पे कपड़ा हमारा जलेगा नहीं। और ये देखिए यहाँ मैंने रुमाल के दोनों कोने को अच्छे से बांध लिया है जिससे रुमाल हमारा बिल्कुल भी जलेगा नहीं। आप रुमाल की जगह कोई और भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। गैस ऑन करके हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसमें एक मिनट के लिए स्टीम आने देंगे। इडली बनाने का दूसरा तरीका यही है कि हम बैटर को रुमाल के ऊपर डालेंगे। रुमाल के ऊपर डाल करके बैटर को हम अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहें तो इससे बड़ा भी इडली रुमाल के ऊपर बना सकते हैं। तो आप एक ही इडली खाएंगे तो आपका पेट फुल हो जाएगा। और अब हम इसे ढक करके हाई फ्लेम पे एक मिनट के लिए अच्छे से स्टीम आने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करके चार मिनट के लिए पकने देंगे। इडली को पकते हुए पाँच मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हम एक साफ नाइफ लेंगे। नाइफ लेकर के हम इसे इस तरह बीच में डालेंगे और ये देखिए चाकू हमारा क्लीन आया है। इसका मतलब है कि इडली हमारी बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है। चाकू से इस तरह कपड़े पर से इडली को रिमूव करेंगे और ये देखिए इडली हमारा इजीली कपड़ा को छोड़ रहा है। और अब हम इडली निकालने के लिए एक स्पैचुला लेंगे और ये देखिए स्पैचुला से भी इडली बहुत इजीली कपड़ा को छोड़ दिया और ये बाहर निकल आया है। और ये देखिए इडली हमारी बिल्कुल जालीदार सॉफ्ट बनी है और ये अभी गर्म है। हम इसे वापस से उसी पे रख देंगे और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और चलिए अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। बाकी के इडली को निकालने के लिए हम बंधे हुए रुमाल को खोल लेंगे। और ये देखिए हमारी कटोरी की भी इडली बिल्कुल परफेक्ट बनी है और कटोरी वाली इडली को भी हम चेक कर लेंगे। और ये देखिए नाइफ हमारा क्लीन आया है। इसका मतलब है कि कटोरी वाली इडली भी हमारी सेम टाइम में ही बनके तैयार हो गई है। और अब हम इडली के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने से कटोरी से इडली हमारा बहुत ईजीली
इडली कटोरी को छोड़ देगा और ये बहुत ही अच्छे से बाहर निकल आएगा। पानी डालने से इडली हमारे और ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो आप अगर इडली स्टैंड से इडली निकाल रहे हैं, इडली के ऊपर पानी के छींटे डाल सकते हैं, या आप कटोरी में थोड़ा थोड़ा पानी इडली स्टैंड पे डालें, जिससे इडली हमारा इजीली बाहर निकल आएगा। और ये देखिए, इडली हमारा निकल आया है और ये बिल्कुल परफेक्ट कटोरी इडली बनके तैयार हुआ है। और अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। और सेम तरीके से यहाँ मैं आपको दूसरा इडली भी निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इडली हमारा इजीली कटोरी से बाहर निकल आया और इसका सेफ बिल्कुल कटोरी के ही साइज का, और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और कटोरी भी हमारा अच्छे तरह से क्लीन हो गया है। और सेम तरीके बाकी बचा बैटर का भी इडली बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने रुमाल के ऊपर से इडली का बैटर डाल दिया है और गैस का फ्लेम ऑन करके हम इडली को स्टीम होने के लिए रख देंगे। और चलिए अब हम इडली को सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने दोनों तरीके से बने हुए इडली को प्लेट में सर्व कर लिया है। और अब हम इसमें सांभर रखेंगे। यहाँ मैंने इडली के लिए चटनी भी बनाया है, लेकिन इसमें चटनी का वीडियो भी डालूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं चटनी का रेसिपी आपको अलग से डालूंगी, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। और ये देखिए, हमारा साउथ इंडियन थाली या ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले रेसिपी में।